हाँ खिलाई बिलाई। देखो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 33। फिर टेम्परेचर ऑफ ए गैस इज मेजर्ड बाई, को थर्मोमीटर तुम्हारा मेजर हो पाइरोमीटर ठीक अच्छे, आउ एटा तुम्हारा हाई टेम्परेचर भी मेजर करे ठीक अच्छे। तापर क्वेश्चन नंबर 45 देखो, 45 द केमिकल नेम ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस टा तुम्हारा CaSO4 डॉट हाफ H2O ठीक अच्छे, आउ जिप्सम टा कौन, जिप्सम जिप्सम टा होजी CaSO4 डॉट 2H2O ठीक अच्छे। तो एटा हला कैल्शियम सल्फेट, ये भी कैल्शियम सल्फेट, दीटा कैल्शियम सल्फेट, किंतु एठी डिफरेंस होची एठी 2H2 अछि एटा डाइहाइड्रेट कहिबा, आ एठी हाफ H2 अछि एटा को हेमी हाइड्रेट कहिबा, बुझ पाललो। तो दे आंसर ऑफ इट तो सेमती हम तोर डाइहाइड्रेट के हेमी देनी, तो आंसर ऑफ कोन कैल्शियम सल्फेट। तापर द केमिकल यूज इन फिंगर, जो वोटिंग तुम कहो वोटिंग टाइम रे हम को केमिकल यूज करते सिल्वर नाइट्रेट ठीक अछि। क्वेश्चन नंबर 47 देखो, आयरन रस्ट क्विकली, कोटी ना आयरन रस्टिंग हुआ पे ताको दरकार कोनो इलेक्ट्रोलाइट्स दरकार, माने कैटायंस और एनायंस दरकार, तो एनायंस और कैटायंस को पाइबो तुम सी वाटर रे पाइबो। तापर मेटल यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हीटर, को मेटल हम यूज करन दी निक्रोम, निकेल प्लस क्रोमियम हला। तापर द एक्टिव सब्सटेंस प्रेजेंट इन डेटॉल, डेटॉल रे कोन था तमरो क्लोरोक्सिलॉन ठीक है, तो इन था अब एसीटोन का कौन पाई यूज हुए तुम्हारा टू रिमूव नेल पॉलिश रिमूवर भाया, तुम्हारा जो नेल पॉलिश को लगाती ताको रिमूव करने पे हमें यूज करते एसीटोन ठीक है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड को यूज करते तुम्हारा जो माउथ वाश जेल थाए, से माउथ वाश जेल में हमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज करते क्लियर। नेक्स्ट नेक्स्ट ला कोन ग्लाउकोमा इज अ डिजीज, हो ग्लाउकोमा टा कोरा डिजीज तुम्हारा आखिरे जे धवा धवा सब हो जइबो, सेटा ला आइज रो डिजीज। तापर विच ग्लैंड मेंटेन्स द बॉडी टेम्परेचर, कोटा को ग्लैंड तमर मेंटेन करे हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी सोर्सेस प्रोड्यूसेस NO, नाइट्रोजन ऑक्साइड, एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन, कोटा तमर प्रोड्यूस करे NO पोल्यूशन, सोलर एनर्जी ठीक अछि। तापर एंड पावरफुल आई रिटेंड इन द स्मोक, कोटा तमरा पावरफुल आई रिटेंड, एटा को पैन को हाबो पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट ठीक अछि। आ मन रखिबो ए जो जुनचर तम सब कुआ हाइछि, जो तमरा सल्फर डाइऑक्साइड हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, ओजोन हो, ये सब वाला कोन सल्फर डाइऑक्साइड तमरा थर्मल पावर स्टेशन जो थाए, जो सब अधिक इंडस्ट्रीज थिबो थर्मल पावर स्टेशन रो जो गैस पुडा को बाहर एमिट हुए, क्वेश्चन भी आसीछि व्हिच गैस और व्हिच पॉल्यूटेंट इज एमिटेड फ्रॉम थर्मल पावर स्टेशन, तो आंसर हम सल्फर डाइऑक्साइड ठीक अच्छे। ओजोन, ओजोन मन रखे गोटे क्वेश्चन एम आस पारे ना, ये ग्रीन हाउस गैस सरी तुम ये एलोट्रोप ऑफ ऑक्सीजन ठीक अच्छे, ओजोन टा एलोट्रोप ऑफ ऑक्सीजन, आउ कार्बन डाइऑक्साइड गोटे ग्रीन हाउस, एमती क्वेश्चन आसो विच गैस इज मोस्टली रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट, आंसर हम कौन कार्बन डाइऑक्साइड ठीक अच्छे। तो ये आंसर किंतु देबो पावरफुल आई रिटेंड इन द स्मोक है पैन पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट ठीक अच्छे। तो अपेक्षा करो ठीक है सर आसिबे।
गुड इवनिंग। डिस्कशन रहे सो हाई कोर्ट टेस्ट सीरीज 1 on 9 जो स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1 When was India's first national action plan on climate change released? तो ये देखो क्वेश्चन नंबर 1 करेक्ट आंसर ऑप्शन है इन 2000 तो ये क्या बोलते हैं 2000 क्वेश्चन नंबर 2 व्हिच इज द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम तो इकोसिस्टम कोटा सब स्टेबल देखा सब लार्जेस्ट इकोसिस्टम है कोटा मराइन तो ओशन तो ये भी स्टेबल इकोसिस्टम तो ऑप्शन ए है ना देन क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कशन सॉरी Let's see question number 4. The book A Brief History of Time has been written by. तो देखो, A Brief History of Time. तो ये क्या लिखते हैं? Question number 4. Stephen Hawking. तो Stephen Hawking लिखते हैं कौन? A Brief History of Time. क्वेश्चन नंबर 5 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिसॉल्वड बट अबोलिश्ड तो पचार जी कोटा डिसॉल्व हुए ने किंतु अबोलिश्ड हो जाए देखो हला आंसर ऑप्शन डी लेजिस्लेटिव काउंसिल तो काउंसिल केबे भी डिसॉल्व हुए ने किंतु अबोलिश्ड हो जाए देन क्वेश्चन नंबर 6 व्हाट कैन बी मैक्सिमम एटा मैक्सिमम हो मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द यूनियन टेरिटरीज टू द लोकसभा तो यूनियन टेरिटरीज रु मैक्सिमम के जन जाई परिए ऑप्शन बी नंबर 20 तो 20 जन मैक्सिमम यूनियन टेरिटरीज लोकसभा को जाई परिए तो लोकसभा रा वर्तमान प्रेजेंट मेंबर मैक्सिमम मेंबर के संख्या आछि तो राज्यसभा रु प्लस प्रेसिडेंट नॉमिनेट करन राज्यसभा के जन 12 मेंबर्स देन देखा छु जानते यूनियन टेरिटरी रु 20 तो रेस्ट जति रहले आ समान सब जानती स्टेट तो स्टेट के जानती 530 क्वेश्चन नंबर 7 व्हिच ऑर्गेनाइजेशन गिवन कॉलिंग प्राइज फॉर द पॉपुलराइजेशन ऑफ साइंस तो कॉलिंग प्राइज के दिए देखो ऑप्शन डी यूनेस्को यूनेस्को दिए कॉलिंग प्राइज यूनेस्को मींस द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन तो एटा केबे हिचला देखो 16 नवंबर इन 1945 तो हेड क्वार्टर कोड अछि पेरिस फ्रांस हेड क्वार्टर कोड अछि पेरिस फ्रांस तो कॉलिंग प्राइस आउट किते रे ऑप्शन डी यूनेस्को लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 8 उबेर कप इज रिलेटेड टू तो उबेर कप कहां सहित रिलेटेड अछि तो एटा का सहित अछि देखो क्वेश्चन नंबर 8 करेक्ट आंसर ऑप्शन सी वुमेन बैडमिंटन तो उबेर कप इज रिलेटेड टू ओमेन बैडमिंटन सो 8 करेक्ट आंसर ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 9 हु इज कॉल्ड द पायनियर ऑफ लिबरलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी तो कहा को कहा जाए लिबरलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑप्शन डी सॉरी ऑप्शन ए डॉक्टर मनमोहन सिंह तो से कंसेक्यूटिव टाइम्स 2 टाइम्स हेतले कोन इंडियन पीएम तो केबे थिल देखो 2004 टू 2014 तो सेथिले कोन फर्स्ट सिख प्राइम मिनिस्टर फर्स्ट सिख प्राइम मिनिस्टर से भीथिले फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर तांका समय क्राइसिस थिला केबे 1991 तो तांका समय बहुत बड़ा क्राइसिस थिला तो ताकु से मेंटेन करने थिले ठीक से फाइनेंशियल इमरजेंसी लगेबर तो तांकर बहुत बड़ा एफर्ट थिला तो डॉक्टर मनमोहन सिंह थिले कोन कह जेतो लिबरलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी देन क्वेश्चन नंबर 10 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द हेड क्वार्टर्स ऑफ द वर्ल्ड बैंक तो वर्ल्ड बैंक रो हेड क्वार्टर कोट अछि देखो
ଅପସନ୍ ବି ୱାଶିଂଟନ୍ ଡିସି। ୱାଶିଂଟନ୍ ଡିସି ତ ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ରହିଛି ୱାଶିଂଟନ୍ ଡିସି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ଡାଭିଡ୍ ଡାଭିଡ୍ ମାଲପାସ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଡାଭିଡ୍ ମାଲପାସ। ତ ଏଇଟା କେବେ ଫାଉଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା ଦେଖ ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ଜୁଲାଇ 1944। ସୋ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର୍ 10 କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ବି ୱାଶିଂଟନ୍ ଡିସି। ଦେନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର୍ 11, ହ୍ୱେନ୍ ଦ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଫ୍ କମୋଡିଟି ଫଲ୍ସ ୱି କ୍ୟାନ୍ ଏକ୍ସେପ୍ଟ। ଦେଖ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର୍ 11, ଦ ସପ୍ଲାଏ ଅଫ୍ ଇଟ୍ ଟୁ ଇନକ୍ରିଜ୍, ଦ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଇଟ୍ ଟୁ ଫଲ୍, ଦ ଡିମାଣ୍ଡ ଫର୍ ଇଟ୍ ଟୁ ସେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ଦ ଡିମାଣ୍ଡ ଫର୍ ଇଟ୍ ଟୁ ଇନକ୍ରିଜ୍। ତ ଏଇଟା କ'ଣ ହୁଏ, ହ୍ୱେନ୍ ଦ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଫ୍ କମୋଡିଟି ଫଲ୍ସ ୱି କ୍ୟାନ୍ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ ଦ ଡିମାଣ୍ଡ ଫର୍ ଇଟ୍ ଟୁ ଇନକ୍ରିଜ୍। ଯେତେବେଳେ କମୋଡିଟିର ପ୍ରାଇସ୍ ଫଲ୍ସ ହେଇଯାଏ ତ ଡିକ୍ରିଜ୍ ହେଇଯାଏ ତ ଡିମାଣ୍ଡ କ'ଣ ହୁଏ, ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେଇଯାଏ। ସୋ ଅପସନ୍ ଡି ଇଜ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଫର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର୍ 11। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର୍ 12, ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ ଦ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଅଫ୍, ଦେଖ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ ଦ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଅଫ୍, ଅପସନ୍ ସି ମିକା। ଅଲସୋ ଇଣ୍ଡିଆ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଅଫ୍ କଟନ, ତ କଟନ ବି ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କିଏ କରେ, ଇଣ୍ଡିଆ। ଦେଖ ରାଇସ, ରାଇସ ତ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କିଏ କରେ, ଚାଇନା। ଟି ବି ଚାଇନା, ତ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଟି ଚାଇନା, ରାଇସ ଚାଇନା, ମିକା ଇଣ୍ଡିଆ, କଟନ ଇଣ୍ଡିଆ। ସୋ ପଚାରିଛି କ'ଣ, ଇଣ୍ଡିଆ ତ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଅଫ୍ ମିକା। ସୋ ଅପସନ୍ ସି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଦେନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 14, ଦ ଟର୍ମ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସ୍ଲାମ, ତ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସ୍ଲାମ ଇଜ୍ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଗେମ୍, ତ କେଉଁ ଗେମ୍ରେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସ୍ଲାମ ରହିଥାଏ। ଦେଖ ତ ଏଇଟା ଦେଖ ଅପସନ୍ ସି ଲନ୍ ଟେନିସ୍, ତ ଟେନିସ୍ରେ ଥାଏ କ'ଣ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସ୍ଲାମ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 14, କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ସି ଲନ୍ ଟେନିସ୍। ଦେନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 15, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ରିଭର ଫ୍ଲୋଇଂ ଫ୍ରମ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଣ୍ଡ ଜଏନିଂ ୟମୁନା ଆଣ୍ଡ ଗଙ୍ଗା। ଦେଖିବା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ଫ୍ଲୋ ହେଇଛି ତ ସେଇଟା ହେଇଯିବ ୟମୁନାର ଗୋଟେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରୀ ରିଭର, ସପୋଜ୍ ୟମୁନା ତ ଫ୍ଲୋ ହେଇଛି ତ ତାର କେତେଟା ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଦେଖ ଚମ୍ବଲ, ସିନ୍ଧ, ବେଟୱା, କେନ୍। ତ ଗଙ୍ଗା ରିଭରର ଅଲସୋ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରୀ ଇଜ୍ ୟମୁନା ରିଭର, ତ ୟମୁନା ରିଭର ବି ଗଙ୍ଗା ରିଭର ଗୋଟେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରୀ। ତ ପାରାଲାଲ ହେଇ କେତେ କିଲୋମିଟର କ୍ରସ୍ କରିଛନ୍ତି, 800 କିଲୋମିଟର। ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ମନେ ରଖିବ ଗଙ୍ଗା ଆଉ ୟମୁନା ପାରାଲାଲ ହେଇକି 800 କିଲୋମିଟର ପାରାଲାଲ ହେଇକି କ୍ରସ୍ କରିଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ଗଙ୍ଗା ୟମୁନା ଡୋଆବ ରିଜିନ, ଡୋଆବ ରିଜିନ। ତ ଏଇଟା କେଉଁଠି ମିଶିଛନ୍ତି, ଇନ୍ ପ୍ରୟାଗରାଜ, ହୋଲି ପ୍ଲେସ୍, ତ ପ୍ରୟାଗରାଜ। ତ ଏଇଟା ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ବେଟୁଆ, ବେଟୁଆ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରୀ ଅଫ୍ ରିଭର ୟମୁନା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 15 କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ଡି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 16, ଅନନ୍ତପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଇନ୍ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଇଜ୍ ଫେମସ୍ ଫର, ତ ଅନନ୍ତପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଫେମସ୍ ଫର୍ ଗୋଲ୍ଡ ମାଇନିଂ। ସୋ ଆନ୍ସର ହେଇଗଲା ଅପସନ୍ ଡି ଗୋଲ୍ଡ। ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ସେନ୍ସସ୍ 2011 ଦ ଲିଟରେସି ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ତ 2011 ଜନଗଣନା ଅନୁସାରେ ଆମ ଭାରତର ଲିଟରେସି ରେଟ୍ କେତେ, 74% 2.05, ତ 74.05% ଲିଟରେସି ରେଟ୍, ସବୁ ହାଏଷ୍ଟ ଲିଟରେସି ରେଟ୍ କେଉଁଠି ଅଛି, ଇନ୍ କେରଳ। ତ ଆମେ ଦେଖିବା ଫାଷ୍ଟ ସେନ୍ସସ୍ କେବେ ହେଇଥିଲା, ଫାଷ୍ଟ ସେନ୍ସସ୍ ହେଇଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆନ ହିଷ୍ଟ୍ରି ତ କେବେ ହେଇଥିଲା, ଇନ୍ 1872। ତ ପରମାନେଣ୍ଟ ସେନ୍ସସ୍ କେବେ ହେଇଥିଲା, ଇନ୍ 1881। ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଥର ପାଇଁ ଜନଗଣନା ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ପରମାନେଣ୍ଟଲି ଏଇଟା ହେଇଥିଲା କେବେ, ଇନ୍ 1881। ଦେନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 19, ଦ ପପୁଲେସନ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଅନ୍ ଆର୍ଥ, ତ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକା ପପୁଲେସନ୍ କାହାର, ତ ଦେଖିବା ରେପ୍ଟାଇଲ୍ସ ବା ସରୀସୃପମାନଙ୍କର ପପୁଲେସନ୍ ବହୁତ ଅଧିକା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 20, ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ଅନ୍ଲାଇନ୍ କୋର୍ସ ଇଜ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ବାଏ, ତ ଗୋଟେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରିଲେଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ଅନ୍ଲାଇନ୍ କୋର୍ସ ଆର୍ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ବାଏ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରିସୋର୍ସ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ତ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଏଚ୍ଆର୍ଡିବି, ସମଟାଇମ୍ସ କଲ୍ଡ ଏଚ୍ଆର୍ଡି, ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଏଚ୍ଆର୍ଡି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା
କିଏ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଏଚ୍ଆର୍ଡି ମିନିଷ୍ଟ୍ରି, ତ କିଏ ଅଛନ୍ତି ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ଅଫ୍ ଏଚ୍ଆର୍ଡି ମିନିଷ୍ଟ୍ରି, ଦେନ୍ ରମେଶ ପୋଖରିଆଲ। Let's see question number 22. The new digital initiative of HRD Ministry, National Digital Library of India has developed by which IIT institute? The IIT institute, IIT Kharagpur. Now Kharagpur, to eta koti achi West Bengal, in West Bengal. To eta kebe founded hoyechila in 1951. Question number 23. The first edition of Naval Exercise Coordinated Patrol will be conducted between India and its which neighboring country? So, Pacharji. The core part. Coordinated Patrol will be conducted between India and its which neighboring country? So, question number 23. Answer is option D, Bangladesh. Then question number 24, which committee will be constituted by the UN government to lay down standards for metro rail systems in the country? So, it is a co-committee, dekha, question number 24. Bhalapel Sridharan committee. So, it is LR2 Bhalapel Sridharan committee. So, answer is option B. Then question number 25. Who wrote the book Gandhi and Stalin? So Gandhi and Stalin, a book ti kiye likhitle. Question number 25. So kiye likhitle tha? Louis Fischer wrote the book Gandhi and Stalin. Let's see question number 27. Kodiyattam is a traditional dance of Kerala. Then we have 8 types of classical dance. So, 8 prakar classical dance. So, kon kon hai dekhiwa? First la Kathakali, then Kathak, then Kuchipudi, then Manipuri, then Odissi, then Sattariya, Bharatanatyam. So, there are 8 types of classical dance. So, answer is Kodiyattam is a traditional dance form of Kerala. Then question number 28. The following day is celebrated as International Literary Day. So International Literary Day ko dina celebrate kara jaye? Anyone? तो इंटरनेशनल लिटरेचर डे को दिन सेलिब्रेट करा जाए? Anyone? Comment section le. The following day is celebrated as International Literary Day.
ओके तो ऑप्शन बी सितंबर 8। क्वेश्चन नंबर 28 करेक्ट आंसर ऑप्शन बी सितंबर 8। देन क्वेश्चन नंबर 29 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स तो एटा पचारथि फंडामेंटल राइट्स कोटा नहि आके बतो देखबा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एटा फंडामेंटल राइट्स देन राइट टू फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन तो एटा भी आछ फंडामेंटल राइट्स अंडर देन राइट टू इक्वालिटी एंड राइट टू इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एज वेल एज वुमेन तो एटा हेला कोन फंडामेंटल राइट्स अंडर आछनि एटा कोथि आछि एटा डीपीएसपी डीपीएसपी तो डीपीएसपी प्रेजेंट इन आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51 इन पार्ट आई वी। ओके क्वेश्चन नंबर 30 द वर्ड्स सत्यमेव जयते इन द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया हैव बीन अडॉप्टेड फ्रॉम व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग तो सत्यमेव जयते तोड़ा को उपनिषद रु अडॉप्टेड कहा है देखो सत्यमेव जयते तोड़ा को उपनिषद आसी मुंडक उपनिषद। देन क्वेश्चन नंबर 31 वाटरफॉल्स एंड रैपिड्स आर कॉमनली फाउंड इन तो एटा देखो क्वेश्चन नंबर 31 वाटरफॉल्स एंड रैपिड्स आर कॉमनली फाउंड इन अपर कोर्स ऑफ ए रिवर। देन क्वेश्चन नंबर 32 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज इज नॉट रिलेटेड टू द पंचायत राज सिस्टम तो को कमिटी पंचायत राज सिस्टम सहित रिलेटेड नथला तो देखो तेंदुलकर कमिटी तो एटा को रिलेटेड थिला एटा पोवर्टी तो रिलेटेड टू पोवर्टी। क्वेश्चन नंबर 33 तो टेम्परेचर ऑफ ए गैस इज मेजर्ड विथ क्वेश्चन डिस्कशन सर्च में तो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 34 इन व्हिच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द प्रोविजंस ऑफ सिटीजनशिप कैन बी फाउंड तो एटा आंसर कौन हम एनिवन कमेंट सेक्शन ले क्वेश्चन नंबर 34 एनिवन इन व्हिच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द प्रोविजंस ऑफ सिटीजनशिप कैन बी फाउंडेड तो पार्ट 1 देखो पार्ट 1 ले कोन यूनियन एंड इट्स टेरिटरी यूनियन एंड इट्स टेरिटरी तो डिस्क्रिप्शन कोन है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी तो देखो पार्ट 2 रे कोन अछि एनीवन के कह परियो पार्ट 2 रे कोन अछि पार्ट 1 आसीबो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी अलका पार्ट 1 आंसर हबनी नेट देखो ऑप्शन सी अछि कोन पार्ट बी तो एटा यूनियन एग्जीक्यूटिव तो पार्ट आई एक्स कोन अछि तो देखो क्वेश्चन नंबर 34 आंसर हबो ऑप्शन बी पार्ट 2 पार्ट 2 इज रिलेटेड टू सिटीजनशिप तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट एटा मन रखियो पार्ट 1 हैला यूनियन एंड टेरिटरी पार्ट बी हैला यूनियन एग्जीक्यूटिव एंड पार्ट 2 हैला सिटीजनशिप। देन क्वेश्चन नंबर 35 आफ्टर हाउ मेनी डेज और एब्सेंस फ्रॉम पार्लियामेंट विदाउट परमिशन कैन ए मेंबर और पार्लियामेंट बी डिस्क्वालीफाइड तो एटा देखो ऑप्शन बी 60 डेज 60 डेज तो विदाउट इनफॉरमेशन जदि कहीं मेंपी बा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो एब्सेंट रहले पार्लियामेंट रे देन 60 डेज मैक्सिमम 60 डेज टू अधिकार रहले सो कोन होबे तांकर मेंबरशिप डिस्क्वालीफाइड हो जो सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 36 हु अमंग द फॉलोइंग गवर्नर जनरल ridiculed congress as representing only a microscopic minority of people very very important question dekhiwa eta kie kahitle jete bele inc formation hetla to se inc ku kon kahitle microscopic minority of people to dekhiwa first inc kebe formation hetla to inc formation hetla in 1885 by alan octavian hume
तो एओ ह्यूम, एओ ह्यूम एज ए इंग्लिश मैन एंड रिटायर्ड सिविल सर्वेंट, तो से थिले कोन फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ आईएनसी, फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ आईएनसी। तो कोन आईएनसी केम थिला देखो, फर्स्ट थिला कोन इंडियन इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड इंडियन यूनियन, तो ए दिटा को मर्ज करके कोन करथले इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो के करथले आलन ऑक्टेविन ह्यूम, केबे करथले 1885, तो से थिले फर्स्ट सेक्रेटरी। तो फर्स्ट प्रेसिडेंट के थिला आंसर डब्ल्यू सी बनर्जी। तो एटा कोठी हेतिला, एक्चुअली एटा हबार थिला कोठी इन बॉम्बे ड्यू टू आउटब्रेक ऑफ प्लेग, एटा लास्ट 11th आवर चेंज हेतिला कोठी की बॉम्बे। तो मुंबई लास्ट आवर रे चेंज हेतिला, तो फर्स्ट मीटिंग हेतिला बॉम्बे। तो बॉम्बे रे हेतिला केतन अटेंड करथले, अटेंड 72 मेंबर्स, 72 मेंबर्स। तो डब्ल्यू सी बनर्जी थिले फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। जो देखिया फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट किए थे, बद्राउद्दीन बद्राउद्दीन त्याबी, बद्राउद्दीन त्याबी थे फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट। देन फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट किए थे एज ए फॉरेनर, जॉर्ज जॉर्ज ईयर। तो देखिबा फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट किए थे, तो फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट थे एनी बेसेंट, एनी बेसेंट। आज इंडियन फीमेल किए थे एनी बेसेंट, देख कौ सेसन थे एनी बेसेंट थे, वेरी इंपोर्टेंट एटा मन कर 1907। तो ये कलकाता सेसन, कलकाता सेसन आज ए फीमेल। किंतु कि इंडियन फीमेल जो किए थे सरोजिनी सरोजिनी नायडू। तो सरोजिनी नायडू कौ सेसन थे इन कानपुर, केवे इन 1925। तो 1925 रे थिले ओनली सेशन, इन 1924 बेलगाम सेशन थिले किए गांधी जी, महात्मा गांधी। तो एमके गांधी थिले ओनली सेशन इन बेलगाम। सो वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो यदि पचरा जाए सब अधिक टाइम थर किए थे ना दादा भाई नायडू जी, तो 3 times एंड चाचा जवाहरलाल नेहरू 3 times। सो ये देख लॉर्ड डफरिन समय होता, तो से कौन कही आईएनसी को माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी ऑफ पीपल। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। देन क्वेश्चन नंबर 37, मेरी कॉम हैज रिसेंटली, तो यहाँ 2018, तो ना प्रेजेंट डे भी बीएसएनएल आंबासडर किए अच्छा मेरी कॉम, तो सो आंसर है ऑप्शन बी बीएसएनएल। क्वेश्चन नंबर 38, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस इज जॉइंट वेंचर ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, तो कहा का मधरे जो हमर क्रूज मिसाइल अछि ब्रह्मोस, तो एटा जॉइंट वेंचर कहा का मधरे हेछि, एनीवन क्वेश्चन नंबर 38, तो एटा कहा का मधरे हेछि, कमेंट सेक्शन ले। ओके तो एटा का का मधरे हेछि, ऑप्शन ए इंडिया एंड रूसिया, रूसिया लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। तो इंडिया केतना नंबर अछि, 7th नंबर एरिया वाइज लार्जेस्ट एंड 2nd नंबर लार्जेस्ट इन पॉपुलेशन वाइज। सो एटा देखो क्वेश्चन नंबर 38 करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इंडिया एंड रूसिया। क्वेश्चन नंबर 39, अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप मेट नॉर्थ कोरियन लीडर किम जोंग उन 12 जून 2018 इन व्हिच कंट्री, तो डोनाल्ड ट्रंप थिले फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, तो तांकर ओडे इंपोर्टेंट मीटिंग थिला का सहित किम उन जोंग, तो सेथले नॉर्थ कोरियन प्रेसिडेंट तो किम जोंग के सहित 12 जून 2018 रे गोटे मीटिंग हेतला, तो हेटा कोठी हेतला, एनीवन कमेंट सेक्शन ले। ओके तो एटा कोठ हेतला, ऑप्शन ए सिंगापुर, तो मीटिंग कोठ हेतला सिंगापुर। तो एटा इंपोर्टेंट कोन पई ना, प्रथम थरो पई हाइड्रोजन बम रो यूज करथले बा टेस्ट करथले के किम जोंग,
সো এটা ইম্পর্টেন্ট নিউজ কোশ্চেনটা মনে রাখবে। তো সিঙ্গাপুরের মিটিং হয়েছিল। কোশ্চেন নাম্বার 40, হুইচ অফ দ্য ফলোইং কান্ট্রি ইজ দ্য লিডিং প্রোডিউসার অফ আয়োডিন ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। তো আয়োডিন এর লিডিং প্রোডিউসার কে আছে? কোশ্চেন নাম্বার 40, লিডিং প্রোডিউসার অফ আয়োডিন ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। তো এটা আনসার হল অপশন সি, চিলি। তো চিলি কোটি আছে? ইন সাউথ আমেরিকা, সাউথ আমেরিকার আছে চিলি, ইন পেরু রিজন। তো আনসার হল অপশন সি, চিলি। দেন কোশ্চেন নাম্বার 41, ডেফিসিট ফাইন্যান্সিং ইজ অ্যান ইনস্ট্রুমেন্ট অফ। কোশ্চেন নাম্বার 41, এটা কোন হবে আনসার দেখ, অপশন সি ফিসকাল পলিসি। সো 41 কারেক্ট আনসার অপশন সি। क्वेश्चन नंबर 44, सॉरी क्वेश्चन नंबर 43, इकोनॉमिक ग्रोथ इज यूजुअली कपल्ड विथ। क्वेश्चन नंबर 43, इकोनॉमिक ग्रोथ इज यूजुअली कपल्ड विथ। तो आंसर इज ऑप्शन बी, इन्फ्लेशन। देन क्वेश्चन नंबर 44, करेंसी वार रेफर्स टू ए सिचुएशन इन व्हिच कंट्री इज इंटर्व इन। तो करेंसी वार रेफर्स टू ए सिचुएशन इन व्हिच कंट्री इज ইন্টারভিউ ইন। তো এটা দেখো আনসার কোন হবে, এলিমান কমেন্ট সেকশন লিখে। কোশ্চেন নাম্বার 44, এলিমান কমেন্ট সেকশন লে। তো এটা হচ্ছে আনসার অপশন সি, ডিভ্যালুটিং দেয়ার রেসপেক্টিভ কারেন্সিস। তো এটা হচ্ছে ডিভ্যালুইং দেয়ার রেসপেক্টিভ কারেন্সি। দেন কোশ্চেন নাম্বার 45, তো এটা ডিসকাশন সরছি। লেটস সি কোশ্চেন নাম্বার 57, let's see question number 57, which of the following article deals with the appointment of the prime minister and other ministers। So it is pachar ji prime minister and other ministers ka pai kete number article। So it is article, dekha article 75। So article 74 deals with, article 74 deals with council of ministers। তো কাউন্সিল অফ মিনিস্ট্রিজ আর্টিকেল 74। দেন আর্টিকেল 76, আর্টিকেল 76 ডিলস উইথ অ্যাটর্নি জেনারেল, অ্যাটর্নি জেনারেল, অ্যাটর্নি জেনারেল অফ ইন্ডিয়া প্রেজেন্ট ইন, ইজ অলসো এ কনস্টিটিউশনাল বডি প্রেজেন্ট ইন আর্টিকেল নাম্বার 76। দেন কোশ্চেন নাম্বার 57, করেক্ট আনসার অপশন সি, আর্টিকেল 75। আর্টিকেল 75 অনুসারে কোন হবে না, প্রাইম মিনিস্টার অ্যান্ড অদার মিনিস্টার্স আর অ্যাপয়েন্টেড, অ্যাপয়েন্টেড বাই প্রেসিডেন্ট। দেন কোশ্চেন নাম্বার 58, দ্য লোয়েস্ট টেম্পারেচার ইজ রেকর্ডেড ইন হুইচ ফলোইং লেয়ার্স অফ দ্য অ্যাটমোস্ফিয়ার। তো সব লোয়েস্ট টেম্পারেচার কোটি আছে? তো সব লোয়েস্ট টেম্পারেচার, এনিওয়ান কমেন্ট সেকশন লে। এনিওয়ান কোশ্চেন নাম্বার 57, ওকে। তো কোশ্চেন নাম্বার 58 কোন হবে, দ্য লোয়েস্ট টেম্পারেচার ইজ রেকর্ডেড ইন হুইচ ফলোইং লেয়ার্স অফ দ্য অ্যাটমোস্ফিয়ার। তো এটা হবে লোয়েস্ট টেম্পারেচার ইন মেজোস্ফিয়ার। তো দেখিবা সপোজ এটা হলো আর্থ, তো আর্থ ফার্স্ট লেয়ার হলো কি, ট্রপোস্ফিয়ার, ট্রপোস্ফিয়ার। দেন আসলা স্ট্রাটোস্ফিয়ার, দেন মেজোস্ফিয়ার, দেন আসলা আয়োনোস্ফিয়ার বা থর্মোস্ফিয়ার। তো দেখবা সবু অল ওয়েদার ফেনোমেনা আর অকার্স ইন ট্রপোস্ফিয়ার। তো সবু প্রকার ওয়েদার ফেনোমেনা আর অকার্স ইন ট্রপোস্ফিয়ার। দেন স্ট্রাটোস্ফিয়ার, স্ট্রাটোস্ফিয়ার কোন আছে না, ওজন লেয়ার আছে। দেন অল এরোপ্লেন, তো সবু জেট প্লেন, তো এবারে সবু, তো এটা মোস্টলি সুইটেবল ফর এরোপ্লেন ফ্লাইট। তো অল ওয়েদার ফেনোমেনা আর অকার্স ইন ট্রপোস্ফিয়ার অ্যান্ড ওজন লেয়ার প্রেজেন্ট ইন স্ট্রাটোস্ফিয়ার, অল দ্য এরোপ্লেন অ্যান্ড মুভমেন্টস আর সুইটেবল ফর
stratosphere, then mesosphere is the lowest temperate region. So answer is option D, mesosphere. Then question number 59. Which of the following are west flowing rivers in India? So dekhiwa west flowing rivers in India. So mostly our Indian continent, the India river system two types of the perennial and peninsular. The peninsular river could divide by the east flowing, but west flowing. So west flowing is the case of Narmada, then Tapti, then Narmada, Tapti, so Luni, and the Sabarmati. So this is the important west flowing river. So east flowing river is the Mahanadi, Mahanadi, गोदावरी कृष्णा कावेरी तो ये सब रहले कौन वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स सो ऑप्शन देखो कौन अच्छी ऑप्शन बी साबरमती तो पचास बीच ऑफ द फ्लोइंग यार वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स इन इंडिया तो साबरमती ऑप्शन है वेस्ट फ्लोइंग रिवर इन इंडिया क्वेश्चन नंबर 60 व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट मैच तो देखो एलिफेंटा फॉल्स कोटी अच्छी एलिफेंटा फॉल्स प्रेजेंट इन मेघालय तो ठीक अच्छी देन धुआंधार फॉल्स इन उत्तर प्रदेश देछि कपिलधारा फॉल्स इन मध्य प्रदेश तो देखो एटा ठीक अच्छी देन भरे पानी फॉल्स ओडिसा तो ठीक अच्छी एटा तो धुआंधार फॉल्स कोटी अच्छी एनीवन के कहि परियो कमेंट सेक्शन ले क्वेश्चन नंबर 60 तो धुआंधार फॉल्स अछि कोटी इन मध्य प्रदेश धुआंधार फॉल्स प्रेजेंट इन मध्य प्रदेश ओके देन क्वेश्चन नंबर 61 तो लार्जेस्ट आइलैंड इन इंडियन ओशन तो इंडियन ओशन ले लार्जेस्ट आइलैंड के अछि सपोज हम इंडियन ओशन तो देखबा इंडियन ओशन के ठीक अछि तो एटा हैला अफ्रीका तो एटा हैला के माडागास्कर माडागास्कर तो एठी के रहला तो ये रहला इंडिया देन ये रहला श्रीलंका श्रीलंका देन तो एपर साइड रे साउथ ईस्टर्न कंट्रीज एशियन साउथ ईस्टर्न कंट्रीज रहला तो सब इंडियन ओशन सपोज एटा हैला इंडियन ओशन एपर रहला के अटलांटिक ओशन तो देखो इंडियन ओशन का सबसे लार्जेस्ट आइलैंड है माडागास्कर तो यदि पचारे वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट आइलैंड देन ग्रीनलैंड तो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट आइलैंड है ग्रीनलैंड सो आंसर है ला ऑप्शन बी धुआंधार फॉल्स तो एटा फॉल्स अछि तो एटा कोडी अछि मध्य प्रदेश सो एटा क्वेश्चन नंबर 61 पचारे देखो तो लार्जेस्ट आइलैंड इन इंडियन ओशन इज तो माडागास्कर ऑप्शन बी माडागास्कर देन क्वेश्चन नंबर 62 अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 which of the following states has the largest population rural population to rural population sabu adhyak korte to uttar pradesh average approximately to present day to population total number 23 crores in uttar pradesh so rural population more according to census 2011 in uttar pradesh देन क्वेश्चन नंबर 63 वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज ऑब्जर्व कौन तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे केबे ऑब्जर्व करा जाए तो केबे करा जाए इन जुलाई 11 तो जुलाई 11 ले कौन हुए वर्ल्ड पॉपुलेशन डे देखा मे 8 रे कौन हुए मे 8 तो एटा कौन पे हमें देखा सेलिब्रेट ऑब्जर्व करू वर्ल्ड वर्ल्ड रेड क्रॉस डे तो ऑब्जर्व वर्ल्ड रेड क्रॉस डे देन जून 5 एनीवन कमेंट सेक्शन लिखे कह पर जून 5 के हम कौन हिसाब से ऑब्जर्व करू जून 5 वाज ऑब्जर्व एज वर्ल्ड वर्ल्ड एनवायरनमेंट एनवायरनमेंट डे जून 5 आल्सो ऑब्जर्व एज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे देन अक्टूबर 16 वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे सो आंसर है 63 जुलाई 11 लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 64 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स रैंक्स फर्स्ट इन इंडिया इन लेंथ ऑफ रोड्स
तो इंडियन स्टेट्स कोटा लेंथ इन रोड्स तो रेल लेंथ से सबसे अधिक है अच्छी देखा ऑप्शन ए महाराष्ट्र देन क्वेश्चन नंबर 65 द हेडक्वार्टर्स ऑफ द ग्रीन पीस इंटरनेशनल इज लोकेटेड एट तो एटा कोटा अच्छी एम्स्टर्डम इन नेदरलैंड देन 66 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्टेन फ्रॉम इंसेक्ट्स तो इंसेक्ट्स उनको द्वारा कोटा जात नहीं तो देखा सिल्क इंसेक्ट द्वारा हनी हनी बी द्वारा देन लैक बी इंसेक्ट द्वारा तो पर्ल इज ए टाइप्स ऑफ जेम्स रत्न तो यहाँ कौन से इनसेक्ट द्वारा प्रोटेक्ट नुहे सो आंसर है ऑप्शन डी देन क्वेश्चन नंबर 67 व्हिच तो यहाँ डिस्कशन सर साइंस डिस्कशन कर क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 72 हु शॉट डेड जॉन साउंडर्स ऑन डिसेंबर 17th 1927 तो जॉन साउंडर्स किए थे से थे असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस ऑफ ब्रिटिश इंडिया तो से 1927 मसीहा 17 तारीख में किए थे भगत सिंह एंड राजगुरु थापर तो ये कौन करते हैं ना शॉट डेड टू जॉन साउंडर्स के थे असिस्टेंट एसपी ऑफ ब्रिटिश आंसर है ऑप्शन ए भगत सिंह देन क्वेश्चन नंबर 73 व्हिच एजेंसी लॉन्चेस करप्शन परसेप्शन इंडेक्स तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स एवरी ईयर किए लॉन्च करे तो देखा को एजेंसी एनीवन क्वेश्चन नंबर 73 व्हिच एजेंसी लॉन्चेस करप्शन परसेप्शन इंडेक्स तो यह है जो Transparency International. So answer option A. Transparency International. Then question number 74. The Election Commission of India is not concerned with the elections of the Election Commission of India. Who election conduct karanti nahi? Dekha Vice President, President, the State Legislature, the election kiye karanti? Election Commission of India conduct karanti. So panchayat election kiye conduct karanti? The State Election Commission. So answer hai la option C. Panchayat. क्वेश्चन नंबर 75 ब्रू ट्राइब रिसेंटली न्यूज बिलोंग्स फ्रॉम तो ब्रू इज ए टाइप ऑफ ट्राइब तो सेटा कोड देखा जाती देखो ऑप्शन कोड हबो ऑप्शन ए मिजोरम तो मिजोरम इज आल्सो ए नॉर्थ ईस्ट स्टेट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट सो आंसर हे गेला ऑप्शन ए मिजोरम This is the last question, last question 75. Answer option A, Mizoram. So thank you. Thanks for watching.